अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल वैस ऑटोमोबाइल। गाइस आज आपके लिए मैं जो गाड़ी लेके आया हूँ वह है टोयोटा नोवा और ये 2015 मॉडल है, 2021 की ये इंपोर्ट रजिस्टर्ड है। और ये गाड़ी जो है बड़ी स्पेशल रही है, 1.8 CC, इसमें हाइब्रिड इंजन है और टोयोटा की जो है वो कहते हैं जिसे MPV कह लें, मल्टीपर्पज़ व्हीकल कह लें या इसे ये फैमिली कार कह रहे हैं, ये बहुत ही जो है वो इसकी जो सीट कैपेसिटी है और इसका जो इंजन है बहुत ही अच्छा है इसमें डला हुआ है। तो इसका मैं रिव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें फ्रंट में नोवा का आपको एन मेरा जो कि ब्लू कलर की शेडिंग दे रहा है, इसका मतलब है ये गाड़ी हाइब्रिड है। क्रोम के लाइंस आप देख रहे हैं, फॉग लाइट्स की जगह दी गई है, प्रोजेक्शन लाइट्स आपको हेडलाइट्स में मिल रही हैं। और ओवरऑल लुक अगर आपको इसकी गाड़ी की दिखा दूँ तो गाड़ी की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं कि एक मुकम्मल वैन की तरह ये गाड़ी है। इसका जो इंटीरियर है वो भी बहुत ही स्पेशियस है, सीटें जो हैं वो बहुत ही सोफ़ा सीट्स इसमें लगी हुई हैं। तो मैं सारा आपको रिव्यू देता हूँ। साइड पे हाइब्रिड की बैजिंग आप देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो आप ये जो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर LED ब्रेक जो है वो टर्न सिग्नल लाइट दी गई हैं। इसके जो रिम्स आते हैं वो अलॉय रिम्स इसमें दिए जा रहे हैं। और उसके बाद ये इस गाड़ी की है, टोयोटा का मोनोस पे बना हुआ है लॉक अनलॉक, और एक साइड जो है वो इसकी पावर है, यानी कि जो स्लाइडिंग डोर इसमें आता है, दोनों स्लाइडिंग डोर थे लेकिन एक जो है वो पावर है, इलेक्ट्रिक डोर जिसे कहते हैं। सो अभी मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। बहरहाल आप देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बैक प्रोफाइल की बात की ना, तो बैक प्रोफाइल में गए थे आपको वाइपर मिरर है, नोवा की बैजिंग दी जा रही है टोयोटा, उसके बाद यहाँ पर हाइब्रिड सिनर्जी ट्रैप जो टोयोटा की आती है वो आपको दिए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर मिल रहे हैं, ब्रेक लाइट्स आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत हैं, रिवर्स इंडिकेटर लाइट जो है वो बिल्कुल वर्टिकल शेप में आपको दी गई हैं। ओपन करते हैं इसका डोर, तो ये हमारे पास की पे बटन है, इसे कोशिश करते हैं अगर ओपन हो जाता है तो। पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं, वो मेरे ख्याल से अंदर से फंक्शन ऑन ऑफ करना होता है लेकिन फंक्शन इस टाइम ऑन ही है। तो ये देखें डोर ओपन हो गया खुद ब खुद। अभी इसको अगर क्लोज़ करना है तो इस बटन को दोबारा मैं प्रेस करके रखूँगा तो ये इसका डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, सॉरी क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जो है इसका एक बटन लिया जा रहा है, जहाँ से इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये डोर ओपन क्लोज़ हो जाएगा। तो अंदर से भी ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ओपन होता है। तो आप इसके ट्रंक स्पेस दिखा दूँ, तो ट्रंक ओपन करेंगे इसका, बहुत ही स्पेशियस इसका जो है वो ट्रंक दिया जा रहा है आपको। ये एक्चुअली 6 सीटर गाड़ी आती है, यहाँ पर आपको सीट्स दी गई हैं जो कि आप ओपन करके यहाँ पर सीट्स को जो है वो ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अगर सामान ज़्यादा है, आप पैसेंजर पर 4 हैं तो आप फ्रंट पर बैठ के पीछे सामान लगेज वगैरह रख सकते हैं, और अगर सामान नहीं है, आप पैसेंजर ज़्यादा हैं तो आप इन सीट्स को ओपन करके बिल्कुल ये अगली जैसे ही सीटें हैं बहुत कंफर्टेबल हैं। तो अब आते हैं गाड़ी की फ्रंट पर, और ये जो इस साइड वाला डोर है ये मैन्युअली आप ओपन करेंगे, ये पावर नहीं है। तो ये देख लें आप इसका इंटीरियर, इसकी सीटें देख लें आप गाइज के, बिल्कुल लेदर की सीट्स हैं और यहाँ पर आर्मरेस्ट भी दिया जा रहा है दोनों साइडों पर, आप देख सकते हैं, ये देखें ये आर्मरेस्ट दिए जा रहे हैं। और इन सीट्स को आप आगे पीछे इंक्लाइनेशन भी इसकी सेट कर सकते हैं, जिस तरह ड्राइवर सीट को हम आगे पीछे करते हैं, सीट को हमने कितना इंक्लाइन करना है तो भी सारा इसमें मिलता है। उसके बाद प्राइवेसी ग्लास भी इसमें मिलते हैं, पावर विंडोज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। डोर क्लोज करते हैं और आते हैं इसकी फ्रंट सीट की तरफ। तो 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर साइड की। और अगर बात करें इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर जो है बहुत ही खूबसूरत है, टोटली ब्लैक कलर में है इसके इंटीरियर। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे है, ब्रेक पर प्रेस करके स्टार्टिंग व्यू आप देख रहे हैं गाड़ी का, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है विदाउट नॉइस, कोई शोर शराबा नहीं है इसमें, इंजन का भी कोई नॉइस नहीं है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है। तो फ्रंट पर भी आर्मरेस्ट मिल रहे हैं आपको दोनों, और यहाँ पर अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो सबसे पहले RPM गिर जाती है इसकी, जिसे कहते हैं कि ये RPM इसमें शो तो नहीं हो रही, लेकिन चार्जिंग मोड, इको मोड, पावर मोड, अभी ये चार्जिंग मोड के सेंटर में है, ये चार्जिंग इको के दरमियान इंजन जो चार रहा है, स्टार्ट हुआ हुआ इंजन और इस टाइम बैटरी को जो है वो चार्ज कर रहा है। और उसके बाद स्पीडोमीटर 180 की मैक्सिमम स्पीड है, यहाँ पर फ्यूल गेज है, उसके बाद ये इसका स्टेयरिंग देख लें आप, यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, ये इसका जो ट्रांसमिशन गेयर जिसे कहते हैं और नॉब आपको दी जा रही है, इस तरह से आप इसको न्यूट्रल पर करते हैं, इस तरह से इसको आप ड्राइव पर लाएँगे या आप इसे रिवर्स पर कर लेंगे, रिवर्स कैमरा भी आप देख रहे हैं। और अगर पार्किंग पे करनी है तो सिंपल आप ये बटन प्रेस कर देंगे, ये गाड़ी पार्किंग पे आ जाएगी। और यहाँ पर इसका जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया जा रहा है, जिसकी डिस्प्ले जो है वो आपको ये सामने डैशबोर्ड में मिल रही है,
यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, पैसेंजर टेम्परेचर, ड्राइवर टेम्परेचर, यानी कि टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको दिया जा रहा है। इसमें पैसेंजर अपना टेम्परेचर लहदा सेट करेगा, ड्राइवर अपना टेम्परेचर अपनी वेंट्स का लहदा सेट कर सकता है। ये दोनों इसमें, यानी एक को गर्मी लग रही है, एक को सर्दी लग रही है, तो दोनों अपने अपने टेम्परेचर लहदा सेट कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से इसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेंटर में कौन सी दीवार है, वहाँ की हवा यहाँ भी आ सकती है, यहाँ की वहाँ भी जा सकती है। लेकिन फिर भी जापान ने किया, जिसका कोई ना कोई फ़ायदा तो होगा ही, बड़ा अभी तक मुझे नहीं इसका मालूम हुआ फ़ायदा। फ्रंट फोगर, रेड फोगर, ये दोनों आपको मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाए तो फ़ैन की सेटिंग दी जा रही है आपको, और यहाँ पर फ्रेश एयर सर्कुलेटर का बटन भी दिया जा रहा है। ऊपर आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स दिए जा रहे हैं, नीचे भी ग्लव बॉक्स दिया जा रहा है। एयर बैग्स इसमें अवेलेबल हैं, और सेफ्टी के लिहाज से इसमें ABS ब्रेक्स वगैरह, एयर बैग्स वगैरह, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके तीन मोड्स हैं, सबसे पहले EV मोड है, फिर इको मोड है, फिर पावर मोड है। EV मोड से मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड, यानी कि गाड़ी टोटली बैटरी पर ड्राइव करती है, हैबिट की बैटरी पर, पेट्रोल नहीं खाती। इको मोड यानी कि पेट्रोल तो खाएगी लेकिन बिल्कुल लाइट सा, मतलब कि इकोनॉमी मोड पे ये होता है कि साथ बैटरी भी इसको हेल्प करती है गाड़ी को ड्राइव देने में। पावर मोड, ये टोटली गाड़ी इंजन पे हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट देगी, गाड़ी बहुत ज़्यादा भागेगी, तो रेसिंग मोड भी से कह सकते हैं पावर मोड को। तो ये तीनों मोड्स आपको दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पर देखें तो ग्लासेस के लिए दिया गया है, लाइट्स वगैरह भी आपको दी गई हैं, यहाँ पर भी लाइट दी गई है, वेंटी मिरर भी दिया गया है, तो तमाम फीचर्स जो इसमें दिए गए हैं। डोर में देखें तो यहाँ पर आपको तमाम विंडोज़ जो हैं वो पावर हैं, और ऑटो विंडोज़ दी गई हैं, यानी ये एक दफ़ा जब आप इसे डाउन अप करना पड़े तो एक दफ़ा पे ही हो जाएगा। यहाँ पर ये डोर्स की जो है वो आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप जो जो मतलब कि साइड व्यू मिरर है उसको सेट कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने सेट करना है। ये देखें, इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसको अगर नीचे की तरफ करेंगे तो ये नीचे, लेफ्ट राइट, जिस तरह भी हमने इसको सेट करना है तो हम सेट कर सकते हैं दोनों जो है वो साइड व्यू मिरर्स को। तो यहाँ पर नीचे डोर ओपनर का बताया गया है कि यहाँ पर आपने जो पिछले बैक डोर्स हैं उनको आप इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं कि नहीं। ट्रैक्शन ऑफ का बटन भी इसमें दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। तो ये गाड़ी जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसके जितने फीचर्स बताए जाए इतने कम है, बहुत जो स्पेशियस और बहुत लग्जरी गाड़ी से आप कह सकते हैं। इसकी ड्राइव बड़ी स्मूथ है, कैबिन जो है इसका वो बैक कैबिन जो है पैसेंजर कैबिन वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, तो इसमें लगेज भी हो पैसेंजर्स भी हो तो इसमें कोई मसला नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पर भी गाड़ी जा सकती है। और इसकी जो तकरीबन फ्यूल एवरेज है वो अराउंड अबाउट 20 के राउंड अबाउट 18 to 20 क्लेम की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी है आजकल फ्यूल प्राइस में। अगर इस तरह की गाड़ी अगर आपको चाहिए तो उसकी फ्यूल एवरेज इतनी नहीं होती, लेकिन ये 1.8 टोयोटा का हाइब्रिड इंजन इसमें है तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बेहतर है। तो कैसा लगा आपका रिव्यू मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वैसा मोबाइल के ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बताइए आपको नेक्स्ट किस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, वैगनार, ऑल्टो, होंडा फ्रीड है, जंप भी होंडा फ्रीड है, ये जो है टोयोटा टैंक का सॉरी सुजुकी की जो नई गाड़ी आई है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और उसके बाद ये इसमें टोयोटा टैंक भी एक आती है, लेकिन ये हसलर है, सुजुकी हसलर की जो नई शेप आई है तो टोयोटा टैंक से मिलती जुलती है, तो अक्सर मैं इसे टोयोटा टैंक ही कह देता हूँ। तो आप ज़रूर बताएं कि कौन सी गाड़ी का आपको रिव्यू नेक्स्ट चाहिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। पाकिस्तानी गाड़ियाँ जिसमें वैगनार कल्टस वगैरह भी आती हैं, उसके बाद जापानी विड्स हैं, उसके बाद कैडी डब्बे भी जिन्हें कहते हैं, मित्सुबिशी के, ये भी तमाम लगे हुए हैं। तो निसान डेज, मित्सुबिशी के, वैगन चेयर स्टार्ट, जिसमें भी इनके पास कलेक्शन अवेलेबल है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपके लिए कौन सी कार रिव्यू के लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।